लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 4.2 पॉइंट टू दैट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन अब हमें सिंपली सॉल्व करना है कोई स्टेप नहीं लिखना है तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा टेन पी इक्वल्स टू हंड्रेड अब देखिए वेरिएबल के साथ क्या है टेन की मल्टीप्लाई तो हम क्या करते थे टेन से डिवाइड करते थे तो हमने किया टेन पी से डिवाइड किया टेन से दोनों साइड हमें टेन से डिवाइड करना होता अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते थे तो देखिए टेन से टेन कैंसिल हो गया यहाँ वन जीरो से वन जीरो कैंसिल हो गई तो इधर बज गया p और इधर बज गया टेन इस क्वेश्चन को देखने से पहले लास्ट थ्री क्वेश्चंस जरूर देखें अब बी पार्ट करते हैं इसी तरीके से हमें पता है जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ऑपोजिट साइन से करते हैं यहाँ पे टेन मल्टीप्लाई में था तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दिया अब बी पार्ट है हमारा टेन पी प्लस टेन इक्वल्स टू हंड्रेड तो अब यहाँ पे टेन प्लस का है तो अब हम सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे तो हम माइनस कर देंगे तो प्लस टेन एज इट इज माइनस किया टेन दोनों साइड तो हंड्रेड में से टेन माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया ये देखिए ये टेन एक प्लस का था एक माइनस का था तो कैंसिल हो गए तो क्या बच गया टेन पी एज इट इज इक्वल्स टू हंड्रेड में से टेन गियर्स नाइन्टी तो ये कितना आ गया अब p के साथ टेन की मल्टीप्लाई है इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे टेन से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा नाइनटी डिवाइडेड बाय टेन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे ये कैंसिल हो गया इसी तरीके से एक जीरो एक जीरो से कैंसिल हो गई तो इधर बचा पी और इधर बचा नाइन तो पी इक्वल्स टू तो नाइन इज द आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ सी पार्ट है हमारा पी अपॉन फाइव फोर इक्वल्स टू फाइव अब देखिए फोर क्या है डिवाइड में तो अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर को तो पी अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर क्योंकि हमने फोर की मल्टीप्लाई की है तो राइट हैंड साइड पे भी फोर की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं तो क्या बच गया यहाँ पे p बच गया इधर की साइड फाइव फोर ट्वेंटी होता है तो p की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी इज द आंसर d पार्ट है हमारा माइनस पी अपॉन थ्री इक्वल्स टू फाइव तो अब देखिए थ्री डिवाइड में तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस पी अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री और हमें पता है दोनों साइड करते हैं जो करते हैं तो हमने थ्री दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया अब देखिए थ्री क्योंकि ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया तो कितना बज गया माइनस का पी बज गया और फाइव थ्री सा फिफ्टीन अब देखिए अगर माइनस होता है वेरिएबल के साथ तो आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड तो हमने माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया राइट right? तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और पी जा पी तो प्लस का पी इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस और फिफ्टीन जा फिफ्टीन राइट देखिए जब भी हमें वेरिएबल के साथ साइन चेंज करना होता है तो अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस से ही मल्टीप्लाई करते क्यों क्योंकि हमें इसे प्लस बनाना होता है हम इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मतलब हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस पी ही आ जाएगा राइट तो इसलिए हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ ई पार्ट है हमारा थ्री पी अपॉन फोर इक्वल्स टू सिक्स तो अब देखिए p के नीचे फोर है डिवाइड में है फोर तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो थ्री पी अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर और सिक्स के साथ भी फोर की मल्टीप्लाई हो गई अब क्योंकि फोर ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया थ्री पी गया और इधर क्या बच गया सिक्स फोर ट्वेंटी फोर अब देखिए थ्री पी के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे तो थ्री पी को डिवाइड किया थ्री से और ट्वेंटी फोर को भी थ्री से डिवाइड किया अब क्योंकि थ्री ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया और इधर भी देखिए थ्री वन 3 थ्री एट ज ट्वेंटी फोर तो कितना बच गया हमारा ये आ गया हमारा इधर p बच गया और इधर एट बच गया तो p इक्वल्स टू एट इज द आंसर लेट्स डू f पार्ट नाउ f पार्ट इज थ्री एस इक्वल्स टू माइनस नाइन अब देखिए एस के साथ थ्री की मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे थ्री से डिवाइड कर देंगे तो माइनस नाइन को भी थ्री से डिवाइड कर दिया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे थ्री ऊपर नीचे है कैंसिल हो गया इसी तरीके से थ्री वन ज थ्री 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 इजा नाइन तो कितना आ गया ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू माइनस थ्री इज़ द आंसर लेस डू जी पार्ट नाउ जी पार्ट इज थ्री एस प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो तो अब देखिए ट्वेल्व प्लस का है तो हम क्या कर देंगे माइनस का ट्वेल्व कर देंगे दोनों साइड प्लस ट्वेल्व एज इट इज अ माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो माइनस ट्वेल्व अब देखिए ये एक प्लस का ट्वेल्व एक माइनस का है तो आपस में कैंसल हो गए तो ये क्या बच गया हमारा थ्री एस बचा इधर और इधर देखिए 12 माइनस का बचेगा क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एस के साथ थ्री मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे तो थ्री एस डिवाइडेड बाई थ्री थ्री से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो अब जो ऊपर नीचे थ्री है वो कैंसिल हो जाएगा सेम वैल्यू अब इधर देखिए थ्री वन जी थ्री फोर ज ट्वेल्व तो एस की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर तो एस इक्वल्स टू माइनस फोर इज द आंसर लेट्स डू एच पार्ट नाउ एच पार्ट इज थ्री एस इक्वल्स टू जीरो अब एस के साथ थ्री मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे तो थ्री एस अपॉन थ्री थ्री से डिवाइड कर देंगे इसी तरीके से जीरो अपॉन थ्री अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे दैट्स इट तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी जीरो को अगर हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही आता है तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू आई पार्ट नाउ आई पार्ट इज टू क्यू इक्वल्स टू सिक्स अगर अब आप देखेंगे टू की मल्टीप्लाई हो रही है क्यू से तो हम टू से अब डिवाइड कर देंगे तो हमने टू से डिवाइड किया दोनों साइड तो टू ऊपर नीचे था तो ये कैंसिल हो गया इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो रहा है टू वन ज टू टू थ्रीजा सिक्स तो कितनी आ जाएगी वैल्यू तो देखिए q बज गया इधर और थ्री बज गया इधर q इक्वल टू थ्री इज द आंसर लेट्स डू J पार्ट नाउ J पार्ट इज टू क्यू माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो अब हम सबसे पहले ये वाला वेरी ये वाला कांस्टेंट सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का सिक्स है तो अब हम प्लस का सिक्स कर देंगे दोनों साइड टू क्यू माइनस सिक्स एज इट इज प्लस सिक्स और जीरो प्लस सिक्स तो अब देखिए ये सिक्स एक माइनस का था एक प्लस का था तो कैंसिल हो गए तो इधर क्या बच गया टू क्यू और उधर जीरो प्लस सिक्स अब q के साथ टू की क्या है मल्टीप्लाई है तो अब हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमने टू क्यू को टू से डिवाइड किया और सिक्स को भी टू से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा देखिए ऊपर नीचे था कैंसिल हो गया इसी तरीके से टू वन जो टू टू थ्री जिक्स तो क्यू इधर बज गया और थ्री उधर बज गया तो क्यू इक्वल्स टू थ्री इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ के पार्ट इज टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सिक्स क्या है यहाँ पे प्लस का है तो दोनों साइड क्या कर देंगे अब माइनस सिक्स कर देंगे तो प्लस का सिक्स माइनस का सिक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस सिक्स तो आप देखिए सिक्स एक्स प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया तो इधर क्या बच गया इधर बच गया टू क्यू और उधर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस सिक्स एज इट इज अब q के साथ टू की मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड बाय टू कर देंगे टू को हटाने के लिए तो माइनस सिक्स अपॉन टू दोनों साइड टू से डिवाइड कर दिया अब ऊपर नीचे टू कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से टू वन ज टू टू थ्री इज अ सिक्स तो क्यू इधर क्यू बच गया और उधर ये वाला माइनस साइन और थ्री तो क्यू इक्वल्स टू माइनस थ्री इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट इज एल पार्ट इज टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल्स टू टूवेल्व तो ये कितना आ जाएगा देखिए प्लस का सिक्स है तो माइनस सिक्स कर देंगे तो टू क्यू प्लस सिक्स में माइनस सिक्स किया दोनों साइड ट्वेल्व माइनस सिक्स तो आप देखिए यहाँ पे सिक्स प्लस का है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बज गया इधर बज गया टू क्यू और ट्वेल्व में से सिक्स गया एक प्लस की है वैल्यू एक माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो ट्वेल्व में से सिक्स गए सिक्स अब देखिए Q के साथ टू मल्टीप्लाई में तो हम डिवाइड कर देंगे टू से इस इक्वेशन को तो हमने टू से दोनों साइड डिवाइड कर दिया अब देखिए यहाँ टू ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया यहाँ पे भी टू वन जर टू टू थ्री इज सिक्स तो इस साइड क्या बच गया Q और दूसरी साइड क्या बच गया थ्री तो Q इक्वल्स टू थ्री इज द आंसर